मुझे बताइए कि यहां पर कौन कौन है जिनकी पर्सनल वेल्थ यानी खुद की संपत्ति दस लाख से ज्यादा है आप हैं एक दो तीन चार पाँच छ छः लोग हैं तो बहुत ही कम लोग हैं यहां जिनको लगता है कि उनकी संपत्ति दस लाख से ज्यादा है चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले मेहमान से मिलते हैं श्री शुब्रत दास जो सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी इस नाम की संस्था के साथ काम करते हैं आइए शुब्रत जी हमने शुब्रत जी को जिम्मेदारी दी थी कि ये हमें बताएं कि हमारे देश की संपत्ति यानी हमारे हमारी नेशनल वेल्थ कितनी है बताइए शुब्रत जी आपके खोज में क्या सामने आया? आमिर आपने हमें समय बहुत कम दिया इसलिए ये आकलन हम लोग पूरा तो नहीं कर पाए हैं फिर भी दो बड़े चीज़ों का आकलन हमने किया है जी. एक है हाइड्रोकार्बन रिजर्व जी जिसमें आता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कोल और लिग्नाइट मतलब कच्चा तेल कोयला वगैरह और दूसरा है अदर मिनरल रिसोर्सेज मतलब खनिज भंडार कुछ चौरासी पिचासी अलग अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज हैं जिसका लगभग आधा हम लोगों ने इस एस्टिमेशन में कवर कर लिया है आधा ही किया आपने जी मतलब जो मैंने आपको काम दिया था वो आप जी. पूरा नहीं कर पाए उतना ही डेटा मिल रहा है मैं समझ सकता हूँ मजाक कर रहा हूँ मैं पूरे देश की संपत्ति का अंदाजा लगाने चले तो उसमें बहुत वक्त लग सकता है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और इस वक्त में आप सिर्फ डेढ़ चीजों का अंदाजा लगा पाए बिल्कुल तो आपके इस अंदाजे में क्या सामने आया आंकड़ा क्या है आप मुझे बताइए मैं काफी बड़ा है पांच हजार पांच हजार शुरू कीजिए अब मैं जब तक आपको ना रोकूं आप उसमें और जीरो ऐड करते जाइए जब तक ना रोकें आप जी अच्छा कुछ और जीरोस लगाइए तो ये तो बोर्ड खत्म हो गया शुभ्रत जी और लगाइए और लगाओ लगा। जी थोड़ा और एक और है? एक और आप सच कह रहे हैं जी बस एक और एक और जी एक और, जी। एक और लगा दीजिए बस तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है मुझे बताइए आप ये है पाँच हजार लाख करोड़ रुपए पाँच हजार लाख पाँच हजार लाख करोड़ रुपए रुपए पाँच हज़ार लाख करोड़ रुपये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही ये कितना बड़ा फिगर है अच्छा हमें बताइए कि हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन एक करोड़ की है तो अगर हम इस आंकड़े को एक करोड़ लोगों में बांटें तो उसका मूल्य कितना होता है चालीस लाख रुपए चालीस लाख जी तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब चालीस लाख के मालिक हैं अपनी अपनी जगह पर जब हमने सिर्फ डेढ़ चीजों का अंदाजा लगाया चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिव्रत जी से बातचीत करेंगे थैंक थैंक यू दोस्तों शिव्रत जी की पूरी रिपोर्ट आपको हमारी वेबसाइट पर पढ़ने के लिए मिलेगी तो अब आप समझ रहे हैं कि आपकी हम सब की संपत्ति कम से कम 40 लाख है और 40 लाख तो सिर्फ दो बल्कि डेढ़ चीजों के अंदाजे पर अगर हम देश भर की संपत्ति का अंदाज़ा लगाएं जिसमें करोड़ों एकड़ जमीन है सरकार के हाथ में पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं स्पेक्ट्रम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन सब का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि हम सब इस देश में करोड़पति हों। बच्चा बूढ़ा हर इंसान हम सब करोड़पति हैं